हेलो दोस्तों, स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन सीखने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार पुट अप हो जाते हैं इस टॉपिक से। आप देख पा रहे होंगे ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसके अंदर स्टोर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है वैक्सीन्स के टेम्परेचर्स को। वैक्सीन्स को वहां पर स्टोर रखा जाता है जब तक कि वो काम में नहीं आ जाए, जब तक कि वो एक्सपायर्ड नहीं हो जाए। और उनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर, स्पेशलाइज्ड जो रेफ्रिजरेटर काम में लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ILR बोला जाता है। तो आज अपन यहाँ पर सीखेंगे। देख, ऐसा आपने देखा होगा, डियर आई होप सबने देखा होगा, इस प्रकार का रेफ्रिजरेटर होता है, अंदर से इस प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। इस टाइप के रेफ्रिजरेटर को क्या बोला जाता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, जिसके अंदर स्टोर किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है टेम्परेचर को। किसके टेम्परेचर को? वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस जो होती है वैक्सीन्स को रखने की, कि कौन सी वैक्सीन्स नीचे आएगी कौन सी ऊपर आएगी, उनके टेम्परेचर के हिसाब से वो आती है। तो उसको एक शॉर्ट ट्रिक, इजी वे से अपन सीखने वाले हैं। एक छोटी से निमोनिक की सहायता से आज उसको अपन सीखने वाले हैं, ताकि लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक आपको दोबारा इसकी तरफ देखना ना पड़े। ओके डियर, लेट्स सी। अपन देख पाते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की वैक्सीन आप देख पा रहे होंगे, ये मान लेते हैं कि अपना क्या है? ILR सिस्टम है। इस ILR सिस्टम में डिफरेंट टाइप की वैक्सीन स्टोर है, रखी हुई है। अब इसको अपन कैसे याद रखें सर, इतनी सारी वैक्सीन्स को, कि कौन सी वैक्सीन सबसे नीचे आएगी, कौन सी बीच में आएगी, कौन सी सबसे ऊपर आएगी? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आई होप आप बहुत आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। लेट्स सी, अपन देखते हैं कि वो जो ट्रिक है वो अपनी क्या रहने वाली है। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, ओ मेरे भगवान रोज तुम्हारी दया इसी प्रकार प्रतिपल हमको दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ से क्या हो गया? ओपीवी वैक्सीन्स। ओके, लेट्स सी, मेरे से क्या हो गया? मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन्स। भगवान से क्या हो गया? BCG, रोज से रोटा वैक्सीन्स। तुम्हारी से TD वैक्सीन्स, मतलब टिटनेस और डिप्थीरिया वैक्सीन्स। दया मतलब DPT, तीन का कॉम्बिनेशन, डिप्थीरिया पर्टुसी टिटनेस। एंड इसी से क्या हो गया? FIPV, मतलब फ्रैक्शनल IPV। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्रकार से क्या हो गया सर? PCV हो गया। ओके, न्यूमोकोकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है वो PCV जिसको बोला जाता है। प्रतिपल मतलब पेंटावेलेंट जो वैक्सीन आती है, जिसमें पांच वैक्सीन का कॉम्बिनेशन आता है, एक ही वायल में आती है, पांच का कॉम्बिनेशन आता है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। हम से मतलब हिपेटाइटिस बी, और को से मतलब कोविड। ओके, नेक्स्ट डीजी से मतलब डाइल्यूएंट। सर डाइल्यूएंट किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं है। डाइल्यूएंट क्या है वो देख लीजिएगा। डाइल्यूएंट इस प्रकार से, यदि अपना ILR सिस्टम है, ये क्या है मान लीजिए, ये अपना ILR सिस्टम है। तो टॉप के ऊपर, सबसे टॉप में जो ये बॉक्सेस आप देख पा रहे होंगे, इन बॉक्सेस को ही क्या बोला जाता है? डाइल्यूएंट बोला जाता है। तो ये डाइल्यूएंट सबसे टॉप पर रखे जाते हैं। ओके, लेट्स सी, अपन देख पाते हैं कि आगे अपन देखते हैं इनको किस प्रकार से रखा जाता है। डियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि ओ मेरे भगवान क्या हुआ? लेट्स सी, ओ मेरे भगवान रोज तुम्हारी दया इसी प्रकार प्रतिपल मतलब हर पल हमको दीजिए। इस प्रकार से अपन डिफरेंट टाइप की वैक्सीन जितनी भी है वो अपन कवरअप कर सकते हैं। अब अपने को ध्यान देने वाली बात यह है कि सर, ये जो रेफ्रिजरेटर है, ILR सिस्टम है, इसमें कैसे कैसे रखते हैं? सबसे नीचे, सबसे बॉटम में। ओके, बॉटम में क्या रखा जाता है? दो लाइन रखी जाती है। ओके, दो परत लगा दी जाती है एम्प्टी आइस पैक की। ओके, सबसे नीचे क्या नहीं रखते हैं? वैक्सीन नहीं रखते हैं। वैक्सीन रखने से पहले सबसे बॉटम में क्या रखा जाता है? एम्प्टी आइस पैक की दो प्रति यहां पर जमा दी जाती है। ओके, उसके बाद में रखते हैं अपन ओपीवी। इस प्रकार से, इस मेथड के हिसाब से रखा रखा जाता है। देखो, ओपीवी रख दिया अपन ने, फिर मीजल्स एंड रूबेला रख दिया, फिर BCG आ गया, फिर रोटा आ गया, फिर TD का आ गया, फिर नेक्स्ट DPT और FIV का आ गया, नेक्स्ट पेंटा एंड PCV हो गया। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी और कोविड। ओके, अब यहां पर अपन देखेंगे हेपेटाइटिस बी जो रखी जाती है वो राइट साइड में रख रहे हैं, और लेफ्ट कॉर्नर जो होता है वो कोविड वैक्सीन का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो
आईएलआर का लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट अपर कॉर्नर है, उसमें कोविड की वैक्सीन रखी जाएगी, और जबकि राइट साइड का जो अपर कॉर्नर है उसमें क्या रखी जाएगी, जो वायल ओपन हो गई है उनको सेपरेट कंटेनर होता है, एक जैसे कि प्लास्टिक का डिब्बा हो गया, सेपरेट कंटेनर में उनको रख करके फिर राइट साइड में उनको रख दिया जाता है, जिस जो किसके अबव होता है, कंप्रेसर, जो आईएलआर का कंप्रेसर होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, कंप्रेसर जो होता है उसके जस्ट अबव रखा जाता है। किसको रखा जाता है, ओपन वायल को रखा जाता है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओपन वायल को कभी भी इस मेथड में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ जो क्लोज्ड वायल रहती है, जो पैक्ड वायल होती है, वही अपन रखते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या बनते हैं, वो क्वेश्चंस ये बनते हैं कि सर सबसे नीचे कौन सी वैक्सीन रखी जाती है, सर वो आईपीवी रखी जाती है। फिर क्वेश्चंस बनता है सर सबसे ऊपर कौन सी वैक्सीन रखी जाती है, सर सबसे ऊपर वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रखी जाती है। अब यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिले, कोविड प्लस हेपेटाइटिस बी, तो दोनों राइट है, ओके। और यदि दोनों में से एक मिले तो कोविड मिलता है तो कोविड वाला सही हो जाएगा, और हेपेटाइटिस बी वाला है तो हेपेटाइटिस बी वाला सही हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि दो क्वेश्चंस और बन सकते हैं यहां पर कि सर अभी न्यूली जो कोविड वैक्सीन है उसको कहां पर स्टोर करेंगे आईएलआर में, तो कहां पर स्टोर करेंगे, अलग कोने में उनको स्टोर करते हैं, ऊपर की साइड, ये कौन सा है, इसका अपर साइड है, देख पा रहे होंगे अपर साइड है ये, और ये है इसका लोअर साइड, ओके, लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट और ये अपर पार्ट है, ओके। तो अपर पार्ट का जो लेफ्ट कॉर्नर है उसमें कोविड वैक्सीन रखी जाएगी, राइट कॉर्नर में जो ओपन वायल है वो रखी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। अब इसके रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डियर, वो क्या है, इसके टेम्परेचर से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो सर आईएलआर का जो टेम्परेचर होता है, आईएलआर टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, प्लस टू टू प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, ये टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अब ये जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो किसके थ्रू होगा, सर वो तो पता है थर्मामीटर के थ्रू होगा। अब जो थर्मामीटर है वो कहां पर होना चाहिए, इस आईएलआर में थर्मामीटर को कहां रखना चाहिए, तो यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, थर्मामीटर शुड बी कीप विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स, जो सबसे टॉप पर रखी होती है, सबसे टॉप पर कौन सी है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, उसके साथ ही क्या रखा जाता है डियर, थर्मामीटर रखा जाता है, ओके, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स के साथ थर्मामीटर रखा जाता है। इसकी मॉनिटरिंग कितने टाइम पर करें, मॉनिटरिंग दिन में कितनी बार करनी चाहिए वो देखते हैं, तो यहां पर जो टेम्परेचर की मॉनिटरिंग होगी वो कितनी बार होगी, टेम्परेचर मॉनिटरिंग 2 times इन ए डे, एक दिन में 2 बार मॉनिटरिंग इसकी होनी चाहिए, और वो कब कब होगी, एक तो मॉर्निंग के टाइम पर होगी और एक इवनिंग के टाइम पर होनी चाहिए। इस प्रकार से दिन में 2 बार टेम्परेचर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि टेम्परेचर प्रॉपर है या नहीं, प्लस 2 to 8 degree centigrade है या नहीं। अब यहां पर अपन देखेंगे टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर जो है वो आईएलआर का 2 से 8 होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें जो कई वैक्सीन के साथ ड्रॉपर आते हैं डियर, ओके, तो उस ड्रॉपर को कभी भी आईएलआर में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ओके। लेट्स सी, डोंट इंक्लूड, डोंट कीप, उसमें नहीं रखना चाहिए, डोंट कीप द ड्रॉपर, डोंट कीप द ड्रॉपर इन आईएलआर, आईएलआर में ड्रॉपर को नहीं रखना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स, कभी भी वैक्सीन्स को आईएलआर की दीवारों के पास में नहीं रखना चाहिए, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएलआर की जो दीवारें हैं उसके जस्ट पास में सटा करके नहीं रखना चाहिए, कुछ दूरी मेंटेन करके फिर
वैक्सीन को रखना चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, और कुछ इसके रिगार्डिंग जो की पॉइंट्स है वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये मदद करेगा आपकी तैयारी में। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूँ, और अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, मजा आया है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।